अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एमयू क्लास फर्स्ट सिक्स और नाइन्थ के आपके एमयू के फॉर्म्स आ चुके हैं सेशन 2023 और 24 के। इसमें अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे आपको एडमिशन सेक्शन में एमयू एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एमयू एप्लीकेशन फॉर्म 2023-24। तो ये स्कूल्स के आए हैं अभी खाली फर्स्ट सिक्स और नाइन्थ के, तो अभी आप उसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा आपको नेक्स्ट विंडो में। यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स डाल करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें गाइड अगर आपको चेक करनी है तो गाइड के बारे में बताएंगे कि इसमें आपका टेस्ट कब है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी वीडियो में देंगे। देखिए अभी जितने भी फॉर्म्स जो आए हैं क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ के, वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे हैं, यानी कोरोना से पहले जिस टाइम पे शेड्यूल पे इंट्रेंस होता था सेम उसी शेड्यूल पे आपका जो है इस बार भी इंट्रेंस हो रहा है। जनवरी में फॉर्म्स आते थे, जनवरी में फॉर्म्स आ चुके हैं, सेकेंड वीक में ही शुरू में आ चुके हैं, और इंट्रेंस डेट भी अभी आपको बताएंगे। बिल्कुल जैसे कोरोना से पहले इंट्रेंस होते थे वैसे ही क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन का भी शेड्यूल आया है। तो अब जो बड़े हायर लेवल के जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके क्लास इलेवन के या फिर यूजी पीजी कोर्सेज के, तो वो भी उम्मीद की जा रही है कि आपके सेम मतलब बिल्कुल ऑन टाइम सारे इंट्रेंस हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिएगा, जहाँ तक उम्मीद है अब ये आपके मई या फिर जून में इंट्रेंस सारे हो जाएंगे। इसमें फिर आपको गाइड के बारे में बता दें, तो ये जब आप गाइड पर क्लिक करेंगे तो आपकी क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ की गाइड भी यहाँ पे अभी इसमें अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो इसमें फर्स्ट पेज रहेगा उसमें यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है, यानी कौन से पेज पे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये इसमें बताया गया है। जैसे कि पेज नंबर टू पे अगर आपको फीस स्ट्रक्चर देखना है फर्स्ट सिक्स नाइन्थ का, तो आपको पेज नंबर टू मिल जाएगा। यूनिफॉर्म के बारे में भी टू पे, हॉस्टल के बारे में थ्री पे, और इसी तरीके से प्रोसीजर एडमिशन का क्या है क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ का, तो वो आपको पेज नंबर 12 से लेकर 14 के बीच में पता चल जाएगा। तो अभी इसमें हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और एक एक करके सब चीज़ में देखते हैं क्लास फर्स्ट सिक्स और नाइन्थ के लिए क्या क्या जरूरी है। ये सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लास फर्स्ट और एट की जो फीस है एनुअल फीस वो है आपकी 5200, ये बॉयज़ की है। उसके बाद नाइन टेंथ के बॉयज़ की फीस है 6720, बस टू टेंथ गर्ल्स की जो फीस है वो है 4320। तो ये पूरा आपका रहा है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, जैसे 100-200, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा किस के। उसके बाद इसमें हॉस्टल की बात की जाए तो क्लास सिक्स और नाइन्थ में सिर्फ आपका एसटीएस स्कूल में हॉस्टल है एमयू गर्ल्स के लिए, एमयू गर्ल्स में, और जो विजुअली चैलेंज स्कूल हैं उनका एमएडी स्कूल में सिर्फ आपको हॉस्टल मिलता है, बाकी किसी भी स्कूल में आपके हॉस्टल नहीं है, तो आपको खुद से यहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद यूनिफॉर्म आप देख लीजिएगा, यूनिफॉर्म का कुछ ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद इसमें बताया गया कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो वो आप देख लीजिएगा, इसमें जो भी बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं वो आप अपना फिल कर सकते हैं और आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसमें नीचे जाएंगे तो कितनी सीट्स आपको यहाँ पर रिजर्व की गई हैं चाइल्ड ऑफ एलुमनी, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय फिजिकल चैलेंज के लिए, वो बताया गया क्या प्रोसीजर है उनका एडमिशन लेने का। तो अगर कोई स्टूडेंट्स है एमयू में जिसके पेरेंट्स एमयू में वर्क करते हैं या एमयू से पढ़े, तो वो आप पढ़ सकते हैं इसमें, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे वो इसमें बताया गया है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट में आपके दो मीडियम होते हैं, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम। बॉयज़ में आपके इंग्लिश मीडियम में तीन स्कूल हैं, एसटीएस, एमयू एबीके और अब्दुल्ला स्कूल। इसमें 35-35-70 स्टूडेंट्स को लिया जाता है। और उर्दू मीडियम के लिए आपका एक स्कूल है एमयू सिटी स्कूल, इसमें 45 स्टूडेंट्स को एडमिशन लिया जाता है। उसके गर्ल्स का जो इसमें इंग्लिश मीडियम में है वो थ्री स्कूल, एमयू गर्ल्स स्कूल, एमयू एबीके हाई स्कूल, अब्दुल्ला स्कूल, इसमें भी सेम है 35-35 और 70। उर्दू मीडियम में टू स्कूल है एमयू गर्ल्स स्कूल और एमयू सिटी स्कूल, इसमें 90 और 40 का एवरेज है, 40 स्टूडेंट्स को लिया जाता है। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें 5 to 7 ईयर्स का आपका स्टूडेंट्स होने चाहिए इसके बीच में, तो आपका इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट रहता है 85 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू रहता है, उसके बाद आपकी लिस्ट आती है, देन आपका सिलेक्शन होता है। इसमें लास्ट डेट जो अप्लाई करने की फॉर्म की है वो है 5 फरवरी, यानी अब 25 डेज आपको ऑलमोस्ट दिए जा रहे हैं। फॉर्म की फीस है 600। लास्ट डेट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम के वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो इसमें लेट फीस के साथ आप 12 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 300 एडिशनल फीस देनी होगी फॉर्म की, जो कि टोटल आपका अमाउंट बैठेगा वो होगा 900। उसके बाद इसमें आपके करेक्शन डेट भी दी हुई है कि अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है तो आप 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में जो है करेक्शन कर सकते हैं। इसमें फिर आपका टेस्ट डेट की बात करें तो इसमें 12 मार्च को आपका इसमें टेस्ट है, 2 आवर्स आपको मिलेंगे, 2 आवर्स आपका टेस्ट करने के लिए, और सुबह 10 बजे से इसमें
टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्लास सिक्स की इसमें बात करें तो उसमें भी आपके दो मीडियम है, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम। इंग्लिश मीडियम में बॉयज़ के लिए दो स्कूल हैं, एमयू एसटीएस और एमयू सिटी स्कूल। 40-40 दोनों स्कूल में स्टूडेंट्स को लिया जाता है। उर्दू मीडियम में आपका एमयू सिटी स्कूल है, इसमें भी 40 स्टूडेंट्स को एडमिशन लिया जाता है। उसके बाद एमयू गर्ल्स स्कूल में आपका एक स्कूल है खाली, एमयू गर्ल्स स्कूल, इसमें 40 स्टूडेंट्स को लिया जाता है इंग्लिश मीडियम में। और उर्दू मीडियम में एमयू सिटी स्कूल है जिसमें आपको 45 स्टूडेंट्स को लिया जाता है। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें 10 टू 12 ईयर्स के बीच में या 10 या 12 होनी चाहिए स्टूडेंट्स की एज, तब वो अप्लाई कर सकता है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 85 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट रहेगा, 15 मार्क्स का इसमें आपका इंटरव्यू रहेगा, जिसमें 25 मार्क्स में आपका इंग्लिश, हिंदी और उर्दू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और 60 जो आपका बाकी के 60 क्वेश्चंस होंगे उसमें 30 नंबर की आपकी मैथ आएगी और 30 मार्क्स की आपकी साइंस आएगी। जो भी सिलेबस है वो आपके क्लास फिफ्थ का जो CBSE ने बताया है वो सभी आएगा क्लास सिक्स के लिए। इसमें सेम जो है आपका क्लास फर्स्ट का जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो सेम है, बस इसमें आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं फॉर्म के लिए। इसमें 600 थी, इसमें 650 है, और अगर आप लेट फीस के साथ पे करेंगे तो आपको 950 पे करना होगा। इसके बाद इसमें टेस्ट डेट भी आपकी इसमें 12 मार्च दी रखी है, और 2 घंटे मिलेंगे आपको टेस्ट देने के लिए, सुबह शाम के 4 बजे से आपका टेस्ट होगा। क्लास 9th की बात करें तो इसमें कोई भी दो मीडियम नहीं, सिर्फ एक मीडियम है इंग्लिश मीडियम। बॉयज़ के लिए 3 स्कूल हैं, SJS स्कूल, एमयू सिटी और एमयू ABK। तीनों स्कूल में 90-90 स्टूडेंट्स को लिया जाता है। उसके बाद गर्ल्स में भी इसमें सिर्फ एक मीडियम है इंग्लिश मीडियम, इसमें 2 स्कूल हैं, एमयू गर्ल्स स्कूल, एमयू ABK स्कूल, और 90-90 स्टूडेंट्स को लिया जाता है। इसमें आपका एज लिमिट की बात करें तो 13 से 15 ईयर्स अगर किसी स्टूडेंट की एज है तो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें 85 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट रहता है और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है। जो 25 मार्क्स के आप इसमें 85 मार्क्स का जो रिटन टेस्ट है उसमें 25 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश, उर्दू और हिंदी से। बाकी जो आपके 60 क्वेश्चन होंगे उसमें 30 नंबर्स की आपकी मैथमेटिक्स आएगी और 30 मार्क्स की आपकी साइंस आएगी। और जो भी सिलेबस है क्लास 9 का वो आपका क्लास 8 का जो CBSE ने बताया है NCERT फॉलो की जाएगी, उसी से सब कुछ आएगा। उसके बाद इसमें आपकी फॉर्म फीस जो है वो 700 है, अगर आप लेट फीस के साथ पे करते हैं तो उसमें आपको 1000 पे करना होगा। इसमें टेस्ट शेड्यूल की बात करें तो इसमें आपकी जो क्लास 9 के एंट्रेंस की डेट है वो है 19 मार्च। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, सुबह 10 बजे से आप इसका एंट्रेंस दे सकते हैं। तो ये जितना भी था ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है क्लास फर्स्ट, सिक्स और 9th की, इसके फॉर्म्स आ चुके हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस चैनल पे जल्द ही हम लोग क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, जिससे कि 2 साल से जैसा कि बताते आ रहे हैं इस चैनल पे, तो इस बार भी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आप लोग को पूरे क्वेश्चंस दिए जाएँ, जिससे कि आपको सिलेक्शन होने में थोड़ी आसानी मिल सके। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।